वेलकम बैक टू SSC स्मार्ट क्लासेस फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका SSC स्मार्ट क्लासेस में। देखिए फ्रेंड, आज मैं आपको कुछ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है ये 6 अगस्त का शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन मैं आपको दो तीन क्वेश्चन इस तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट के बताऊंगा। देखिए, एक इंस्टॉलमेंट्स का था, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स का ऑलरेडी मैं आपको शॉर्टकट तरीके दे चुका हूँ इंस्टॉलमेंट के। अगर आपने नहीं देखे इंस्टॉलमेंट के ट्रिक्स तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे 6 अगस्त के, 8 अगस्त के, मैं सारे कंबाइन ले रहा हूँ, ठीक है। और वो किस तरह से होंगे, क्योंकि आगे आपके जो प्री के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक की मदद से करवाऊंगा, फिर आपको पूरा फॉर्मूला भी बता दूंगा। सबसे पहले देखिए ट्रिक क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन मैं कंप्लीट बता देता हूँ कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट डेट कैन बी अर्न इन 2 ईयर्स एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 4,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 4180, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है क्या होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यू हैव गिवन, आपको दे दिया गया है, ठीक है। इसका सिंपल ट्रिक आपको क्या है, यहाँ पे आप इसमें से ये माइनस करिए, ठीक है। 4180 और 4,000, ठीक है, आपका 180 आ गया। यहाँ पे अपॉन में क्या करना है आपको, जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, सॉरी 2 साल का जो दिया हुआ आपको 4,000 है, इसका हाफ कर दो, 2,000 × 100, वो आपका कितना आ गया, 9%। यही मेरा क्या होगा, आंसर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जब आपको दिया होगा 2 ईयर्स एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं सीधा आपको अप्रोच बताऊं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए, फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2 साल का इतना है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 4,000 है। सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए, P1+R/100 का स्क्वेयर -1, ठीक है, ये हो गया, अपॉन P r × 2/100 इज इक्वल टू 4180/4000। यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो, ये P से P कैंसिल हो गया, ये आपका कितना बचा, 1 से 1 कैंसल्ड आउट हो गया, और ये आपका बना R/100 का स्क्वायर +2R/100 2R/100 इज इक्वल टू 4180/4000। यहाँ पे आप 2R/100 या R/100 काट दो, वो कॉमन हो गया, तो ये आपका R/100+2/2 इज इक्वल टू 4180/4000, ये आपका 2000 आ गया, 2000 आ गया। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा 20R+4000 इज इक्वल टू 4180, और 20R इज इक्वल टू 180 एंड R इज इक्वल टू 9%, ये मेरा क्या होगा, आंसर, ठीक है। ये तब एप्लीकेबल है जब आपको 2 ईयर दिया हो, ठीक है, गिवन। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें कंसेप्ट सुनना, कितने इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं इंटर रिलेट करूँगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपके पास एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹1452 इन 2 ईयर्स, ठीक है, एंड ₹1597.20 इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। मैं इस वाले फॉर्मूले से आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए, आपको सीधा क्या करना है, देखिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इज मल्टीप्लाई बाय 100%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब वैल्यूज रख लेते हैं, ये डिफरेंस कितना है इनका,
इनिशियल वैल्यू 1452 थी इंटू 100, ठीक है। मैंने जब इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 10%। अगर मैं इसको लेंथी अप्रोच से करता, ठीक है, तो वो कितना बड़ा होता। देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतनी जो अमाउंट है वो आपकी बनी है, अमाउंट बनी है, तो पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 3, ये कितनी है, 1452 अपॉन पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वेयर, ये कितना है, सॉरी ये आपका है 597.20, और ये जो दूसरा है आपका ये 1452। अब इसको सोल्व करने में कितनी आपकी माथापच्ची है, कितना आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस तरह से देख के, देखिए यही वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी हम सोल्व करेंगे। एक इससे पहले आप एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर है आपका 50 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2nd ईयर ये आपका 52 रुपीज़, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका क्या होगा। अब शॉर्टकट अप्रोच देखिए, शॉर्टकट अप्रोच फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन वन इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फाइनल वैल्यू इज़ 52 माइनस इनिशियल आपकी 50। हाँ एक चीज़ ये आपके पॉइंट टू बी रिमेम्बर, आपके ईयर्स जो हैं वो कंजेकटिव होने चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे आपने 3 ले लिया और यहाँ पे आपने 5 ले लिया, नहीं, 3 और 4 हो सकता है, दे शुड बी इन कंजेकटिव ऑर्डर, ठीक है। यू शुड लर्न दिस पॉइंट आल्सो, दे शुड बी इन कंजेकटिव ऑर्डर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट शुड बी इन कंजेकटिव ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अपॉन 50 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 4%। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% निकल गया तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे अगर आप लेंथी अप्रोच लगाते तो आप इस तरह से लगाते, 1 प्लस आर बाय 100 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 50, दूसरा आपका 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वेयर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 52, इसको अपॉन में करते फिर सोल्व करते तो वो एक लेंथी अप्रोच हो जाती। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, और ये आपका 8 अगस्त का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 8 अगस्त शिफ्ट 2nd का ये क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चंस की अप्रोच भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपका इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये है, आपको जैसे 3a+b, ठीक है, आपका सीधा और सिंपल b, सॉरी ये आपका डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स हो गया, ठीक है, 3a+b, और जो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, सिंपल आपका a हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको रेशियो बताना है b बाय a का, जो b बाय a का रेशियो है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये आपका सीधा फॉर्मूला है, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ आगे, मैं इसको पूरा सोल्व भी करके आपको बता दूंगा। तो ये आपका सिंपल क्या हो गया, 3 प्लस b बाय a इज इक्वल टू 23/7, ठीक है। यहाँ पे b बाय ए इज इक्वल टू 23/7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू आपका 21/7, सॉरी 23 माइनस 21/7 विच इज इक्वल टू 2/7 × 100, यानी कि 200/7% आपका आंसर हो गया। मैं आपको एक लेंथी अप्रोच से भी बता देता हूँ। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स आपका क्या होगा, पी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर क्यूब माइनस 1। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका, पी आर 3 PR बाय 100 फॉर 3 ईयर्स,
जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, पी आर बाय 100 का स्क्वायर इंटू आर बाय 100 प्लस 3। ऐसे ही आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स, जब आप उसको डिफरेंस करोगे, पी 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर -1, ऐसे ही ये पी आर 2 PR बाय 100। तो ये आपका, इसको जब डिफरेंस करोगे आप, तो ये डिफरेंस करके आपके पास आ जाएगा पी आर बाय 100 का स्क्वायर। और जब आप इसको और इसको डिवाइड करोगे, ये और ये कट जाएगा, तो आर बाय 100 प्लस 3, आर बाय 100 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 27 बाय 3, ये आपका सीधा फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। तो ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है, दिस इज़ अ फॉर्मूला व्हेन इट इज़ गिवन, डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स आर गिवन। मेनली आपको 3 ईयर्स और 2 ईयर्स आपके यही जो है स्टैंडर्ड आपको चीज़ें मिलती हैं। वैसे एक और मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन देता हूँ, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो आपका डिफरेंस का रेशियो है 3 साल का, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में आपका जो डिफरेंस है वो 2 ईयर्स का, वो 31/10 है। सो यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कैसे निकलेगा ये, यहाँ पे सीधा ही जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, 3A+B/B विच इज़ इक्वल टू 31/10, या आपको जो मैंने बताया था आर बाय 100 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो देखिए आर बाय 100 इज इक्वल टू 31/10 -3 विच इज इक्वल टू 1/10। सो आर इज इक्वल टू आपका 10% हो गया, ये आपका क्या होगा आंसर। सो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।